सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी की कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे, गांधी के उस दौर की कहानी जहां से गांधी हमारे लिए महात्मा गांधी बने और बड़े बने। ये चंपारण आंदोलन के दौरान की कहानी है। तब न वो महात्मा बने थे न तब वो गांधी बने थे, वो मिस्टर एम के गांधी कहे जाते थे और दक्षिण अफ्रीका से अभी अभी आए थे। अपने गुरु गोखले के सलाह पे वो पूरा मुल्क घूम रहे थे और चीज़ों को देख समझ रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने चंपारण जाने का फैसला किया था और चंपारण में नील की खेती और उससे होने वाली परेशानियों को देखने वो गए थे। जहाँ रुक के उन्होंने आंदोलन किया और नील की खेती तो ख़त्म ही की, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और नई शुरू की, जिसमें सबसे बड़ा तो यही हुआ कि कांग्रेस का और राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र बदला, खुद गांधी भी बदले। और गांधी जिस नई सभ्यता की या यूरोपियन सभ्यता के पैरेलल जिसको खड़ा करना चाहते थे, खेती और ग्राम उद्योग आधारित जीवन को, उसका प्रयोग भी गांधी ने चंपारण से किया। गांधी करीब 9.5 महीना चंपारण रुके थे। इतना लंबा वक्त उन्होंने कहीं देश में नहीं लगाया। इतना लंबा वक्त वो सिर्फ अपने दो आश्रमों में रहे, लेकिन उन आश्रमों में भी आंदोलन वाला दौर नहीं था, वहाँ वो रहने के ख्याल से रहते थे, उन्होंने आंदोलन नहीं किया। चंपारण इस हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चंपारण की लड़ाई गांधी की बहुत मुश्किल थी और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपनी लड़ाई चलाई और अपने साथियों को भी इसके लिए तैयार किया। तब बिहार में, चंपारण ही क्या कहें, पूरे बिहार में एक भी होल टाइमर कांग्रेस का नहीं था। कोई समाज के काम करने के लिए लोग नहीं थे। कांग्रेस की सदस्यता थी लेकिन वो सिर्फ सम्मेलनों में शामिल होने का, प्रस्ताव बनाने का, इसी का था। आंदोलन करने का कांग्रेस का भी चरित्र नहीं था। तो गांधी जब चंपारण पहुँचे हैं तो एकदम निपट अकेले थे और वो अप्रैल में गए थे। 15 अप्रैल को वो पहुँचे थे। अप्रैल, जो भी कोई जानता होगा बिहार को और चंपारण को, भयावह गर्मी पड़ती है और उस समय बिजली और पंखे और एसी और इन सब की कोई कल्पना नहीं थी। और उसी दौर में गांधी वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने सारा काम, उन्होंने मुख्य काम जो उन्होंने नील के खेती के ख़िलाफ़ किया, किसानों से सुनवाई का किया, वो जून तक चला। क्योंकि जून में कमीशन बन गया, सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि नील पे हम एक आयोग बना रहे हैं, उस कमेटी, जाँच कमेटी बनेगी और उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको हम लागू करेंगे। उसमें गांधी भी गए। तो जो कहानियाँ चंपारण की हैं उसमें गांधी के मुश्किल जीवन का और उनके मुश्किल उठाने का, सबसे पहले दिन जब वो चले चंद्रैया गांव के लिए, तो वहाँ से हाथी पे जा रहे थे, जिस किसान के यहाँ अंग्रेज़ी जुल्म हुआ था उसने हाथी इनको दिया था कि आप हाथी पे आइए। तो अप्रैल के सुबह जल्दी से ये लोग जा रहे थे क्योंकि धूप ज़्यादा होगी, और वहीं से उनको उन मुश्किलों का अंदाज़ा शुरू हो गया। और मुश्किलों का हिसाब ये है कि बड़े वकील थे राजेंद्र प्रसाद, उनसे भी बड़े वकील थे बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर बाबू की उस ज़माने की फ़ीस 10,000 रुपये थी और मुकदमों की भरमार थी उनके पास। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, उनको गठिया था। ये सब लोग दो दो चार चार नौकर लेके आए थे, जितने बड़े वकील पटना से आए थे, दरभंगा से आए थे, गोरखपुर से आए थे, ये सब लोग दो दो चार चार नौकर लेके आए थे। कोई खाना बनाता था, कोई बर्तन माँजता था, कोई बिछावन ठीक करता था। धीरे धीरे करके गांधी ने उनको एक तरह से मजबूर किया या सिखा दिया कि बिना नौकर चाकर के रहना है, अपना बिस्तर खुद मोड़ना है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपना बर्तन खुद साफ करना है। इसी क्रम में गांधी को उस समय, उस ज़माने में मोटर पूरे चंपारण में 2-4 होंगी, उससे ज़्यादा गाड़ियों के कोई जिक्र नहीं मिलता, और वो गांधी को नसीब नहीं थी। कभी मिल गई गाड़ी तो मिल गई, नहीं तो आम तौर पे वो बैलगाड़ी से, टांगे से, हाथी से, इसी की सवारी करते थे, और उससे भी ज़्यादा पैदल चलने का उनको शौक़ था। तो जब तक बैलगाड़ी आए और दूसरी चीज़ें आए तब तक वो अपना पैदल चले जाओ, ख़ास तौर से गर्मी में सुबह उठ के जल्दी चले जाओ। सरिस्वां बाज़ार में एक सुनवाई थी जिसमें SDO आया था अंग्रेज़ी हो, उसका किस्सा ये है, वो करीब 10 मील है बेतिया से, 10 मील का मतलब 15-16 किलोमीटर हुआ, और गांधी सुबह उठ के अंग्रेज़ी हुकूमत के लोगों का और नील के लोगों के आने के पहले उस जगह पहुंच गए थे और स्नान वगैरह करके उस मठ में
खाट पे अपना लेटे हुए थे जब ये सब गए। इस घुमाने के चक्कर में ब्रजकिशोर प्रसाद को, उनको भोजपुरी आती नहीं थी तो इसलिए वो राजन बाबू और ब्रजकिशोर प्रसाद के बगैर कहीं जाते नहीं थे। तो ब्रजकिशोर बाबू को उन्होंने इतना पैदल चलवाया और ब्रजकिशोर बाबू भी चुपचाप उनके साथ आते जाते रहे कि उनके घुटने का दर्द ऐसा बढ़ा कि उनका चलना फिरना मुश्किल हुआ, जाने कहाँ कहाँ इलाज हुआ। आखिर में उनका विधानचंद राय ने इलाज किया, जो बड़े डॉक्टर थे उस ज़माने के। उससे भी जब दर्द नहीं ख़त्म हुआ तो गांधी ने उनका इलाज हकीम अजमल खां से कराया, दिल्ली में जो उनके मित्र थे, वो बहुत बड़े हकीम थे। तो हकीम अजमल खां के इलाज से ब्रजकिशोर बाबू ठीक हुए। तो गांधी अपने खुद इस दौर में जिस तरह से रहते थे वो भी देखने सुनने की चीज़ है, उसके बड़े किस्से हैं, लेकिन सारे किस्सों में मैं नहीं जाऊँगा। असली किस्सा ये है कि ज़्यादा सुनवाई उन्होंने किसानों की गवाही होती थी, किसान आके अपनी बातें बताते थे, एक तरह से उनसे क्रॉस एग्जामिन भी किया जाता था, बड़े वकील लोग पूछते थे कि ये क्या सच है, ये क्या झूठ। और करीब 25,000 गवाहियों में एक भी गलती नहीं पाई गई है। इसका मतलब है कि सारी गवाहियाँ बहुत ही सख्ती से और पक्के ढंग से कराई गई थी, और उन गवाहियों पे स्टाम्प पेपर पे दस्तखत कराया जाता था या अंगूठा लिया जाता था, अंगूठे का निशान, और दो दो गवाह और दस्तखत करते थे, अर्थात उसकी लीगल जिम्मेवारी भी ली जाती थी। जब सबूत गांधी ने इस तरह से पेश किया तब जाके अंग्रेज़ी हुकूमत डरी और उसको लगा कि ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। अब तो गांधी जब ये गवाहियाँ ले रहे थे तो ज़्यादातर गवाहियाँ बेतिया में हुई। बेतिया ही असली सेंटर था नील की खेती का, वो बेतिया राज का भी मुख्यालय था, जिला मुख्यालय तो मोतिहारी था लेकिन राज का मुख्यालय बेतिया में था, और बेतिया राज ही बड़ा था, उसी के यहाँ नील वाले सबसे ज़्यादा आए, ज़मीन भी शायद उनके यहाँ ज़्यादा बेहतर थी नील के हिसाब से, तो बेतिया ही सेंटर था, ज़्यादा सुनवाई बेतिया में हुई। बेतिया में गांधी का काफिला हजारीमल धर्मशाला में रहा, बड़ा धर्मशाला था उसी में ये लोग रहे, सब नीचे रहते थे, दो कमरे थे, एक कमरा कस्तूरबा और गांधी के लिए था, एक में बाकी लोग रहते थे, बरामदे पे रहते थे, उसी में अपना रात में सो लिए और सुबह उठ के नहा धो के बिस्तर मोड़ के रख दिया। फिर जब लोगों का आना शुरू हो जाता था तब वहाँ सोने उठने बैठने की कोई जगह नहीं होती थी। गांधी को भोजपुरी आती नहीं थी, गांधी को कोई बड़ा मामला लीगल आए, कुछ ऐसा आए तो उनको बताया जाता था, या कोई सवाल ऐसा पूछने की ज़रूरत पड़ती थी तो गांधी से पूछा जाता था। तो आम तौर पे गांधी उस पूरे दौर में उस धर्मशाला के छत पे रहते थे। छत माने सीढ़ी के बगल से जो रास्ता जाता है उसके लिए जो दुछत्ती सी बनी होती है, उसी दुछत्ती में गांधी बैठे रहते थे। सीढ़ी के बगल की वो जगह 6x3 फुट की थी, चटाई मुश्किल से वहाँ बिछ पाती थी, और गांधी उसी में बैठ के अपना जो भी लिखना पढ़ना है वो करते थे। आप गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी उस समय होती होगी, और ताड़ के पंखे से वो अपना काम चलाते थे और अपना जो भी लिखना पढ़ना है या गवाहियों में से जो इम्पोर्टेंट माना जाता था, जो उनको दिखाने लायक, वो उनके पास भेजा जाता था और गांधी उसको पढ़ के अपनी राय देते थे। तो भर दिन वो वहाँ काम करते थे उसी दुछत्ती में बैठे और उसी भयावह गर्मी में बैठ के, और नीचे सारी गवाहियाँ चलती रहती थी। शाम को 4 बजे के आसपास गवाहियाँ बंद की जाती थी क्योंकि गांव वाले लोग उसके बाद लौटते थे, अंधेरा होने लगेगा तो उनको लौटने में दिक्कत होगी, तो उस आसपास वो काम बंद होता था। फिर गांधी नीचे उतरते थे और नीचे उतरने में उनको लोग उनके पैर छूने वालों का उसी ज़माने से मजमा लगना शुरू हो गया था, लोग 2-4 पैसे रख के उनके पैर पे पैर छूते थे। तो पैर छूने का भी काम वो भर दिन होता रह सकता है और लोग उनको डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए उस सीढ़ी के बगल में कृपलानी डंडा लेके सचमुच पहरा कर देते थे, चौकीदारी करते रहते थे, और लोगों को कभी बहला फुसला के, कभी मजाक करके, कभी धमका के गांधी से दूर रखते थे, जिससे गांधी डिस्टर्ब ना हो और वो अपना काम करते रहें। कृपलानी जी मजाकिया बहुत थे और उस ज़माने से भी, इवन गांधी के साथ भी उनका मजाक हंसी मजाक चलता रहता था, सारे लोगों से उनके मजाक के किस्से हैं। वो काफ़ी समय मदन मोहन मालवीय के निजी सहायक थे तो मालवीय जी से भी उनके चुटकुले और मजाक के बड़े किस्से हैं। गांधी के साथ भी उनका मजाक का रिश्ता रहा और वो बार बार बोलते थे कि गांधी जी का ये हवा महल है, कि गांधी जी जाके ऊपर हवा महल में बैठ जाते हैं और मैं यहाँ नीचे, और वही फिर 4 बजे नीचे आने पे इन लोगों की देखरेख करते थे। गांधी भी
कृपलानी के साथ ही खाते थे शुरू के दिनों में, क्योंकि कृपलानी अपने साथ कुकर लेके गए थे एक, जिसमें दोनों का खाना बनता था। गांधी उन दिनों उबला खाना खाने लगे थे, शुरू में तो मेवा और शहद खाते थे लेकिन बाद में उबला खाना खाने लगे थे, और उनका नियम था कि वो पांच चीज़ें ही खाएंगे, नमक वगैरह, दाल, नमक ये सब छोड़ चुके थे। तो कृपलानी ने भी उनके चक्कर में ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। कृपलानी बस यही करते थे कि साथ का खाना बना, उसमें अपने लिए थोड़ा नमक मिला लिया, इसके अलावा। तो गांधी ऐसी जगह रह के और इतनी मुश्किलें उठा के इतने लंबे पीरियड में उन्होंने ये आंदोलन किया। रोज़ का रूटीन मैंने कोशिश की है उनकी, मैंने डायरी लिखने की कोशिश की गांधी की, तो ये देख के मैं हैरान था कि लगभग रोज़ उनका मूवमेंट कहीं ना कहीं है और ज़्यादातर मूवमेंट पैदल है। उस ज़माने में और इतनी गर्मी के बीच वो किस तरह से रोज़ आते जाते होंगे, और बेतिया मोतिहारी के बीच, क्योंकि गवाहियाँ बेतिया मोतिहारी दोनों जगह होती थी, तो रोज़ एक आदमी जहाँ भी वो होते थे गवाहियों की मुख्य बातें, कितने लोगों की गवाही हुई, कितनी मुख्य बातें हैं, ये लेके उनके पास आता था और वो वहाँ रहे और उसी सब के बीच उन्होंने ये काम करके दिया। और अंग्रेज़ी हुकूमत की भी ये हालत थी कि उन दिनों अंग्रेज़ी हुकूमत अपना अड्डा उठा के रांची पहुंच जाते थे। इन्हीं सारी मुश्किलों के बीच गांधी ने चंपारण में एक बड़ी जीत हासिल की, नील की खेती बंद हुई, तिनकटिया सिस्टम बंद हुआ, और गांधी ने कभी भी वायलेंस की वकालत नहीं की, कभी भी उपद्रव की वकालत नहीं की, कभी भी अपनी ओर से कुछ देने का वादा नहीं किया। सिर्फ वो यही बताते रहे कि आपको निर्भय होना चाहिए, और वो प्रयास उन्होंने ज़रूर किया। वो कोर्ट कचहरी गए, न कहीं मुकदमा लड़ा, न किसी को लड़ने की सलाह दी, बस वो एक ही चीज़ करते रहे कि लोगों को निर्भय बनाएं। और इस काम में सबसे पहले उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने का जो साहस दिखाया कि मैं यह कानून तोड़ता हूं और इसके बदले मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं वो मानने को तैयार हूं, और वही वो जादू था जिसने गांधी को आगे किया। फिर उनके जो साथ गए थे उन लोगों ने तय किया कि अगर बाहर से आया आदमी हमारे लिए गिरफ्तारी देने को तैयार है तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। और फिर पूरे चंपारण के लोगों ने, और चंपारण का ही नहीं रहा, 25,000 किसानों ने तो अंगूठा लगा के हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी बात रखी। फिर पूरे बिहार में, मुल्क में, सारे उपनिवेशों में जो गोरी चमड़ी का खौफ था वो ख़त्म होना शुरू हुआ, और हम पाते हैं कि 1857 में बड़ा भारी वायलेंट आंदोलन हुआ था, चंपारण में भी हुआ था बहुत ज़्यादा, वो भी फौज का एक सेंटर था महत्वपूर्ण। लेकिन उसके 60 बरस तक अगर किसान और हिंदुस्तान के लोग नहीं उठे तो 17 से 30 बरस के अंदर वो क्रांति हो गई कि मुल्क आज़ाद हो गया, और इन्हीं 30 वर्षों में दुनिया से उपनिवेशवाद की विदाई भी लगभग तय हो गई, और 5-7 बरस के अंदर उपनिवेशवाद मुख्य रूप से विदा हो गया। छिटपुट तो जहाँ तहाँ बना रहा लेकिन इसकी शुरुआत चंपारण से हुई और बहुत ही मुश्किल स्थितियों में हुई, और अकेले गए गांधी ने ये क्रांति की और उसमें खुद के उदाहरण से बात आगे बढ़ाई, अपने कस से और अपने दिलेरी से, और तभी जाके चंपारण इतना सफल हुआ। आज की कहानी इतनी ही, अगली बार फिर हम एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए